हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग ब्रह्मास्त्र मूवी का रिकॉर्ड जो है 2022 में टूट पाएगी कि नहीं। हालांकि तीन ऐसी मूवी को इसमें मतलब लिस्ट में शामिल किया गया है जो उस मूवी का क्रेज है और वो मूवी शायद हो सकती है रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें से आपको विक्रम बेदा, सर्कस और आपको किसी का भाई किसी का जान, यानी ये तीन मूवी क्या ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, इसी के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक हेल्प का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है और जो पुराना वाला चैनल था वो डिलीट हो गया, इसके लिए ये नया चैनल क्रिएट किया गया है और आप लोग यहाँ पर हेल्प का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज हम लोग ब्रह्मास्त्र वर्सेस आपको ये तीन मूवी विक्रम बेदा, सर्कस और किसी का भाई किसी का जान। हालांकि और भी बहुत सारी मूवी आने वाली है, लेकिन ये तीनों मूवी का क्रेज थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि अक्षय कुमार सर का भी राम सेतु आने वाला है, उसका भी क्रेज है, और उसी दिन थैंक गॉड का भी आने वाली है, तो फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं कर पाएगी। ये लाइफ टाइम का कलेक्शन की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ तीन दिन का कलेक्शन की बात हो रही है। तो राम सेतु आ रही है उसी दिन, आपको अगर थैंक गॉड भी आएगी तो दोनों का आएगा तो उतना कलेक्शन नहीं कर सकती है, इसके लिए और सब ये मूवी छाँट दिया गया है। अगर और भी कोई इतना बड़ी बजट की मूवी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, ब्रह्मास्त्र का जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वो सिर्फ हिंदी वर्जन में, पूरे लैंग्वेज के लेकर नहीं है, सिर्फ हिंदी वर्जन में 31.50 करोड़ फर्स्ट डे का कलेक्शन था। सेकेंड डे का जो कलेक्शन था 36 करोड़ था, और थर्ड डे का यानी संडे का कलेक्शन 38.50 करोड़, यानी कि टोटल लेकर 106 करोड़ होता है, तो 106 करोड़ होता है अगर टोटल तीन दिन का कलेक्शन का बात करें तो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, विक्रम बेदा आ रही है, विक्रम बेदा हो सकता है इसका तीन दिन का रिकॉर्ड तोड़ दे। अब इसमें सबसे पहले जो पॉइंट वाला ये बात है कि विक्रम बेदा भी एक बहुत ही मस्त क्रेज पे, बहुत ही पब्लिक इस मूवी को लेकर उतावले हैं, बहुत ही इसको अच्छा खासा मतलब प्यार मिला हुआ है फैन से या पब्लिक से या ऑडियंस से, और ये ओवरऑल पूरा ओवरसीज में मतलब ये 100 कंटिन्यूटी जो रही है, तो हो सकता है 99% कि ये मूवी ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दे फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे का। नहीं तोड़ती है तो उसके बाद में सर्कस मूवी है। सर्कस मूवी जो है आपको मालूम है, इसमें रणबीर सिंह देखने के लिए मिल जाएंगे, इनका डबल रोल है, और इसका जो मेन बात यह है कि इसका जो डायरेक्टर है वो है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी का कोई भी मतलब मूवी आता है तो उसको पब्लिक देखने के लिए जाती है, और पब्लिक उनका मतलब मूवी लाजिम पसंद करता है, कॉमेडी हो या एक्शन हो, ए टू जेड एकदम परफेक्ट है। ये कॉमेडी हिसाब से है और सर्कस के हिसाब से है, तो इस मूवी को शायद हो सकती है पब्लिक ज़्यादा पसंद करे और ये मूवी ब्रह्मास्त्र का 2022 के ही अंदर में रिकॉर्ड तोड़ दे। हालांकि ये जो मूवी है क्रिसमस पे आने वाली है, तो हो सकता है, शायद उम्मीद है कि ये मूवी रोहित शेट्टी का और रणबीर सिंह का जो ये मूवी है ये रिकॉर्ड ब्रह्मास्त्र का तोड़ दे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में, यानी कि तीन दिनों के अंदर में ये मूवी 6 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर ले, तभी उसका रिकॉर्ड टूट पाएगी। तीसरा जो मूवी है वो है किसी का भाई किसी का जान, यानी सलमान सर का, मेगा स्टार सलमान खान का जो मूवी है उसका। इस मूवी के भी मतलब एक होता है ना, जो सलमान सर का एक फ्लॉप भी मूवी रहती है वो 100 करोड़ बहुत ही इजी तरीके से पार कर देती है, तो इस मूवी को फराज सामजी है तो थोड़ा डिसअपॉइंट यही होता है, लेकिन इनका है यार इसमें जितना स्टार कास्ट है उस हिसाब से ये मूवी भी इससे ज़्यादा कलेक्शन करने की उम्मीद रखती है, क्योंकि अगर 30 दिसंबर को आ रही है तो नया साल का भी छुट्टी होता है, तो हो सकता है ये मूवी इससे ज़्यादा कलेक्शन करे, क्योंकि एक बड़े स्टार हैं, एक मेगा स्टार हैं, तो उस मूवी का बज या इस मूवी का एकदम हाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपको शहनाज़ गिल हैं, वेंकटेश हैं, तो बहुत सारे ऐसा है मतलब से सिद्धार्थ निगम है, तो जो मतलब बोलते हैं ना एक बड़े स्टार होते हैं उसका फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा होता है, तो हो सकता है ये मूवी ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा का कमा ले। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बताइएगा कि हाँ ये कौन सा मूवी जो है वो ज़्यादा कलेक्शन करने में कामयाब हो सकती है और कौन सा मूवी है जो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको 100% विश्वास है कि किसी का भाई किसी का जान ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ सकती है 2022 के अंदर में।
हालांकि उसके बाद में तो बहुत सारी ऐसा बड़ी मूवी आने वाली है, जैसे कि मान लो पठान आने वाली है फर्स्ट में, आदि पुरुष आने वाली है उससे पहले 12 जनवरी को, फिर टाइगर मतलब 3 आने वाली है। तो ऐसा बहुत सारे बड़े बजट की मूवी है जो रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो आदि पुरुष की भी अगर बात करें तो सिर्फ हिंदी वर्जन का बात करते हैं, क्योंकि अगर पूरे लैंग्वेज की बात करेंगे तो ज़्यादा का हो जाएगा, जब लगभग 40 करोड़ के लगभग में हो जाएगा फर्स्ट डे का कलेक्शन, तो हिंदी वर्जन की बात है। अगर नॉन हॉलीडे का बात करें तो फिर अलग मीटर हो जाता है, क्योंकि उसमें कलेक्शन कुछ कमती आ सकती है। तो ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीनों मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं, या उससे पहले ये मतलब एक तो विक्रम बेदाय जो आपको 30 सितंबर को आ रही है, अगर ये नहीं तोड़ पाई तो शायद दूसरा मूवी तोड़ सकती है, जैसे कि अक्षय कुमार सर का राम सेतु हो गया, ये भी हो सकती है, या थैंक गॉड हो गया, या और भी बहुत सारे मूवी लाइन में है आने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जिस मूवी से उम्मीद नहीं रखते वही मूवी मतलब रिकॉर्ड तोड़ देती है। सनी देओल के साहब की भी चुप मूवी आने वाली है, उसमें दुलकर सलमान है और आपको सनी देओल है, तो इसे मतलब फ्राइडे को आने वाली है यानी 23 सितंबर को आने वाली है, तो हो सकता है यही मूवी रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट बता सकते हैं कौन सा मूवी ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और लाइफ टाइम का तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम अभी भी ब्रह्मास्त्र मूवी चल रही है, तो लाइफ टाइम कितना 250 करोड़ कमाता है या 350 करोड़ कमाता है या 400 करोड़ कमाता है, पूरा वर्ल्ड वाइड जब इसका पूरा मतलब कलेक्शन है, जब ये मूवी एकदम निकल जाएगी सिनेमाघरों में से, तब जाकर मालूम चलेगा सर ये मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन कर पाती है। लेकिन अभी तक का इसका जो कलेक्शन आ रही है वो ठीक ठाक आ रही है। तो इसी मतलब यानी कल का यानी संडे का जो कलेक्शन था, यानी कि आपको 18 तारीख को, तो उसमें 15 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो चल रही है ये मूवी, पब्लिक पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कमती पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले का जो सिचुएशन था वो अभी नहीं है, तो चलेगी। आप लोग अपना राय अपना व्यक्त कर सकते हैं इससे कौन सा मूवी तोड़ सकती है या इससे ज़्यादा कलेक्शन करने में कामयाब हो सकती है। मैं 3 नाम रखा था ओनली, लेकिन आप लोगों को और भी दूसरा कोई मूवी माइंड में है, दिमाग में है, कहाँ उस मूवी के लेकर बज है, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना दिमाग होता है, हो सकता है और भी दूसरा मूवी रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन विक्रम बेदा और आपको किसी का भाई किसी का जान, ये दोनों मूवी पे मुझे ज़्यादा मतलब ट्रस्ट है कि हाँ ये दोनों मूवी इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है शायद। लेकिन सर्कस का शायद नहीं लगे, लेकिन वो भी एक एंटरटेनमेंट फिल्म बनाते हैं रोहित शेट्टी, तो हो सकता है शायद वो भी रिकॉर्ड तोड़ दें, या हो सकता है उससे पहले राम सेतु मतलब रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि राम सेतु का भी बज बहुत ज़्यादा है पब्लिकों में। तो एक होता है ना कि दो मूवी साथ में आएगी तब बड़ा कलेक्शन नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर 30 करोड़ एक मूवी कर रही है तो दो मूवी है, तो लाजिम है जो उसका जो कलेक्शन है वो बढ़ने वाली है। तो इसके लिए राम सेतु पे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार सर का जो भी फैन होंगे उनको ये लगेगा कि नहीं ये गलत बता रहे हैं बोल के। तो यहाँ पे पॉइंट ये नोट किया जा रहा है कि दो मूवी एक साथ में आएगी तो कलेक्शन ऑटोमेटिक कमती हो जाएगी। अगर 20-20 करोड़ का भी आता है एक मूवी का तो फिर भी उसका कलेक्शन कुछ ना कुछ कमती हो जाएगा, तो ऐसा है। तो आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और किस मूवी पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर आदमी वीडियो बनाएगा। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।